मंत्री की इस विजय रथ पर सवार है ईश्वरप्पा और दूसरी तरफ है रामदास। पार्टी ने इन दोनों को इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ है, स्टार प्रचारक बनकर प्रधानमंत्री के साथ प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रताप सिंह है जो बीजेपी के जो लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के। तो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस समय लोगों का जो अभिवादन है उसे स्वीकार कर रहे हैं। मैसूर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है अरेंद्र, ये कहा जाता है कि मैसूर में अगर आप थोड़ी दूर तक कहीं भी पत्थर फेंको तो वो पत्थर हो ना हो किसी राजमहल पर ही जाकर गिरेगा। यानी कितने हर छोटे डिस्टेंस पर एक पैलेस, एक राजविलास, एक राजमहल मिलता है आपको। तो ये बहुत ऐतिहासिक, और टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम रेवेन्यू जनरेटिंग क्षेत्र है। और इस और यहाँ पर आप जो खड़े हुए लोग हैं हजारों की संख्या, तमाम प्रोटोकॉल होते हैं लेकिन जनता के साथ में सीधा जुड़ाव हो सके प्रधानमंत्री इसका विशेष ख्याल रखते हैं। और वही तस्वीर भी हमको देखने को मिली एक पुलिस अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री का संवाद, और निश्चित तौर से ये कोशिश होगी कि जनता जो इस वक्त सड़कों पर दोनों ओर मौजूद है उसको परेशानी ना होने पाए उनके साथ प्रधानमंत्री। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭರ್ಜರಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಎಸ್ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಸಹ ಈ ರೋಡ್ ಶೋ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮೈಸೂರಿನ ನಗರದ ಗನ್ ಹೌಸ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಎಲ್ಎಸ್ಎ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಿಯತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿದ್ರು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. जो राजघराने की संस्कृति है अभी भी यहाँ पर सड़कों पर नजर आती है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं ये नजर साफ नजर